विदित किया गया। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस विशाल प्रांगण में इधर उधर 15 मिनट का वक्त अब शेष रह गया है। परमादरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हेलीकॉप्टर को आने में आप सभी इस विशाल पंडाल के दोनों तरफ जो आपके बैठने के विदित किया गया है और परमादरणीय सदस्य यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का और भाइयों बहनों, जो यहां के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी राजनीति का प्राधिकरण, आज तो अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए जितनी शक्ति हो सकती है, हमारा संकल्प है हम किसी बहन को विधवा नहीं होने देंगे, किसी बच्चे को अनाथ नहीं होने देंगे, लेकिन राजनीति से अपराधियों को पूरी तरह बेदखल करने का कार्य भी करेंगे। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से आप नहीं मना सकते थे। पर्व और त्योहार आता था और फिर कर्फ्यू लग जाता था, दंगे शुरू हो जाते थे, पेशेवर दंगाई आकर के पर्व और त्योहारों में खलल डालने का कार्य करते थे। आज तो पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं और भाइयों बहनों, हम लोगों का ये बहुत स्पष्ट संदेश है, हम सुरक्षा सबको देंगे, योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा किया, किसी गरीब और निरीह और किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया, तो फिर सार्वजनिक संपत्ति को कोई कब्जा करेगा तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। और यही नहीं, सरकार का संकल्प यह भी है कि अगर किसी ने पर्व और त्योहारों में खलल डाल करके दंगा भड़काने का कार्य किया तो उसको पहले ही एक पट्टा कर देना चाहिए 7 पीढ़ियों का, कि 7 पीढ़ियों तक वो इसकी भरपाई करता रहेगा। अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बन गया होता? आप राम मंदिर बनने से खुश हैं? जो लोग खुश हैं हाथ खड़ा करो। सभी लोग खुश हैं? क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? ये कार्य कौन कर रहा है? तो यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, जो आस्था को सम्मान दे, विकास की योजना